वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ हाल ही में हिंदी में डब्ड हुई कुछ बहुत कमाल की हॉलीवुड मूवीज़ की। इस लिस्ट के अंदर आपको मल्टीपल जॉनरास पे बेस्ड मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी। इट मीन्स आपको यहाँ पे साइंस फिक्शन, एडवेंचर, एक्शन, हॉरर, हर तरीके के जॉनरास पे बेस्ड मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी और सभी मूवीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट मूवी है बर्ड्स ऑफ ब्रिज हेलो। ये मूवी 2022 में आई है, एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि एक नए घर के अंदर शिफ्ट होती है और वहां पे ये एक ऐसी चीज को छू लेती है जिसकी वजह से ये एक बहुत खतरनाक स्प्रिट को, आत्मा को वापस जिंदा कर देती है, जिसकी वजह से हेलोवीन की रात को सभी पुतले सभी मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और अगर इन्हें जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो हेलोवीन की रात हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो ऐसे में ये लोग किस तरह इनको रोकते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है हाउस बुलेट। ये मूवी 2020 में आई है, एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक मैकेनिक की जो कि पुलिस वालों के लिए काम करता है और उन्हीं सब पुलिस वालों में से एक पुलिस वालों की अपना मेंटर मानता है, उसकी हर बात मानता है, उसकी काफ़ी इज्जत करता है। पर एक दिन कुछ पुलिस वाले उस आदमी को, उस पुलिस वाले को मार डालते हैं इसी की आंखों के सामने, जिसके बाद ये किस तरह उन लोगों से बदला लेता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। काफ़ी कमाल की और बहुत ज़्यादा एक्शन से भरी ये मूवी है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स मिला 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है माय बेस्ट फ्रेंड्स एक्सॉर्सिज्म। ये मूवी 2022 में आई है, एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है दो सबसे अच्छी दोस्तों की, जो लोग घूमने के लिए जाती हैं एक जगह पे बहुत दूर शहर से, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनमें से एक दोस्त को एक शैतान अपने गिरफ्त में ले लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद दूसरी दोस्त काफी परेशान है क्योंकि उसे लग रहा है कि इसके ऊपर किसी शैतान का साया है। तो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है हेल रेजर। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि नर्क से भाग के आया है वहां के रक्षकों की यानी कि गार्ड की नजरों से बचते हुए, और अब इसे जल्दी से जल्दी अपना शरीर वापस पाना होगा लोगों का खून पी के, क्योंकि अगर इसने जल्दी से जल्दी ऐसा नहीं किया और उन रक्षकों को, गार्ड्स को पता लग गया तो वो वापस इसे नर्क में खींच के ले जाएंगे। ऐसे में ये क्या करता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सोचिए देखिए कि आप जंगल के अंदर अकेले गए हैं शिकार करने के लिए ताकि आप रात का खाना जुटा सकें, लेकिन वहां पे आपका सामना हो जाता है एक बहुत पावरफुल एलियन से जो कि पृथ्वी पे आया इंसानों का शिकार करने के लिए। ऐसी ही कुछ कहानी दिखाई गई इस मूवी के अंदर जिसका नाम है प्रे। ये मूवी 2022 में आई है, एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें नारू नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसका सामना हो जाता है सबसे पहले हाईली इवॉल्व प्रेडेटर से यानी कि एक शिकारी एलियन से जो कि आया है पृथ्वी पर इंसानों को ख़त्म करने के लिए, और अब इसकी और इसके पूरे कबीले की जान खतरे में क्योंकि इसके पास हर तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी है और इन लोगों के पास केवल कुल्हाड़ी और तीर कमान है। ऐसे में ये लोग किस तरह इस खतरनाक एलियन का सामना करते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी हिंदी लैंग्वेज में हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है ओल्ड पीपल्स। ये एक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक औरत की जो अपनी बहन की शादी में आती है अपने दो बच्चों के साथ ताकि उस शादी को अटेंड कर सके, लेकिन एज यूजुअल जैसा ये लोग सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। वहां पे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी बूढ़े लोग हैं, वो सब लोगों को जान से मारना शुरू कर देते हैं एक एक करके। तो आखिर उन सभी बूढ़े लोगों के अंदर इतनी जान कहां से आ गई और आखिर वो क्यों इन लोगों को मार रहे हैं वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स 5.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। उसके देखिए कि आप जंगल के अंदर जा रहे हैं घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ ताकि आप अपने बच्चों को जंगल दिखा सकें कि आखिर जंगल होता कैसा है।
लेकिन वहां पर अचानक से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बहुत खतरनाक शेर हमला कर देता है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। ऐसे में आप क्या करेंगे, वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक पिता की, जो अपनी दो बेटियों के साथ आता है जंगल सफारी पे, लेकिन वहां पे इनके ऊपर एक बहुत खतरनाक बहुत बड़ा शेर आक्रमण कर देता है। ऐसे में ये लोग किस तरह अपने आप को बचाएंगे, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 5.6 out of 10 IMDb। नेक्स्ट मूवी है पॉचर। ये मूवी 2022 में आई ही एक ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक यंग अमेरिकन लड़की की, जो कि अपने पति के साथ एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुई है। लेकिन ये लोग जब से यहाँ पे आए हैं तब से इनके साथ काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और इनको ये डाउट है कि हो सकता है ये वही सीरियल किलर हो जो लोगों को जान से मार देता है। तो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोज़ पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.3 out of 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है इंटरगैलेक्टिक। ये मूवी 2022 में आई है, एक एनिमेशन कॉमेडी म्यूजिक मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जिसका नाम जबारी है, जो कि अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहता है। वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो जाती है जिसे देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। तो ये काफी अच्छी रोमांटिक मूवी है जिसके अंदर आपको एक बहुत कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.5 out of 10 IMDb। नेक्स्ट मूवी है मिस्टर हैरिगन्स फोन। ये मूवी 2022 में आई है, ये एक ड्रामा हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि एक बहुत अमीर आदमी का बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है। जब भी इसके जीवन में कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो ये जाके उनसे ही सलाह मशवरा लेता है। लेकिन एक दिन मिस्टर हैरिगन्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये काफ़ी दुखी होने लगता है। लेकिन उसके बाद इनको मिस्टर हैरिगन्स का फ़ोन आना शुरू हो जाता है, जबकि मिस्टर हैरिगन्स तो मर गए। तो आखिर वो फ़ोन कौन कर रहा है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6 out of 10 IMDb। नेक्स्ट मूवी है गुड बॉस। ये मूवी 2021 में आई, एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी कंपनी की, जिसे गवर्नमेंट एक अवार्ड देने वाली है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है, एम्प्लॉयज से लेके कस्टमर तक हर कोई बहुत ज़्यादा खुश रहता है। पर इस कंपनी का जो बॉस है, उसे पता लगता है कि यहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है जितना ये बताता है बाहर दुनिया में। इसीलिए ये उन लोगों के आने से पहले, यानी कि जो टीम आने वाली है सारा इंस्पेक्शन करने के लिए कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ खुश हैं या नहीं, उनके आने से पहले इन सभी की समस्याओं को दूर कर दे। तो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.2 out of 10 IMDb। नेक्स्ट मूवी है लेबर डे। ये मूवी 2013 में आई है, ये एक रोमांस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि जेल से भागकर आया और पुलिस से बचने के लिए वो एक परिवार को बंदी बना लेता है, जिसमें एक मॉम होती है और उसका एक बेटा होता है, जो लोग बिल्कुल अकेले घर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर में जाकर रहने लगता है, डरा धमका के उनके साथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये उनके फैमिली का ही एक पार्ट बन जाता है। और अब ये नहीं चाहते कि ये पुलिस के साथ जाए और पुलिस इसे जेल में डाल दे, लेकिन पुलिस तो इसके पीछे पड़ी हुई है। तो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 out of 10 IMDb। नेक्स्ट मूवी है ऑफिशियल कॉम्पिटिशन। ये मूवी 2021 में आई है, ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की, जो कि लगभग 80 साल का हो गया, और अब वो चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से लोग उसे अच्छे काम के लिए याद रखें। इसीलिए वो चाहता है कि वो एक बहुत अच्छी फिल्म बनाए जो कि सुपर डुपर हिट हो और लोग उस फिल्म के साथ में उसे भी याद करें। इसीलिए वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर को हायर करता है, जो कि सबसे बेस्ट फिल्म बना सकती है। सो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में VR OTT पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स 7.1 out of 10 IMDb पर। हमारी लास्ट मूवी टू द डीप 2020 में आई हुई डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मूवी के अंदर
में कहानी देखने को मिलती है एक जर्नलिस्ट की, जो एक आदमी के साथ एक सबमरीन के अंदर जाती है ताकि ये लोग समुद्र के अंदर उस सबमरीन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकें। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। जब ये लोग समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अचानक से सबमरीन गायब हो जाती है, किसी को भी सबमरीन का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन कुछ समय बाद सबमरीन तो मिल जाती है, उसके अंदर वो आदमी भी मिल जाता है जो सबमरीन को चला रहा होता है, लेकिन वो जर्नलिस्ट गायब होती है। तो आखिर वो जर्नलिस्ट कहाँ गई, क्या हुआ था, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb। तो गाइस आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vent.